तो हमने एसिड्स और बेस की बात करी है, अब हम उनकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा? हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस, ये हमारा टॉपिक है। एसिड और बेस कितना स्ट्रांग है, जैसे एसिटिक एसिड, विनेगर, विनेगर में क्या होता है, 5% एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, वो उसको आप खा सकते हो, पर बहुत स्ट्रांग HCl है उसको आप नहीं खा सकते। तो एसिड्स का स्ट्रेंथ डिफरेंट होता है, कुछ स्ट्रांग होता है कुछ वीक होते हैं, ऐसे ही बेस का स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होता है, कुछ स्ट्रांग होता है कुछ वीक होते हैं। तो अब इसको ना हम क्वांटिफाई करने वाले हैं, स्ट्रांग और वीक तो एक क्वालिटेटिव टर्म हो गई, अंदाजा हो गया, इसको पूरा क्वांटिफाई कैसे करें हम, तो वो हम पीएच से करते हैं। तो पीएच से पहले मैं एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है ये। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर डिफरेंट होगी तो ये इंडिकेटर डिफरेंट कलर शो करेगा, और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हम हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन से ही पता करते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो हम बोलेंगे स्ट्रांग एसिड है, अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो हम बोलेंगे वीक एसिड है। मैंने पहले भी कल भी बताया था, कॉन्सेंट्रेशन को बताने के 8 तरीके होते हैं, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन को बताने का तरीका है दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अगर वो ज़्यादा है तो स्ट्रांग एसिड है, कम है तो वीक एसिड है। तो मैं एक बार यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि एक जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसका कलर क्या होता है डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड, ऑरेंज, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ऐसे करके है ना। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर्स हैं डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल एच प्लस लगा के स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, दिस मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ समथिंग समथिंग, वो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन्स है, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो 10^0, तो ये यहाँ पे इस रेंज में होगा, तो फिर ये 10^-1, ये कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब क्या 10^-1 मोल्स पर लीटर, तो इस रेंज में आएगा, ऑरेंज की रेंज में आएगा 10^-2। तो ये कम हो रही है बढ़ रही है, ये बताओ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। बताओ काम हो रही कम हो रही है ना,
एक पहला वाला 1 है, फिर 1/10 है, फिर 1/100 है, फिर 1/1000 है, ऐसा है ना? हाँ तो जी ये कम हो रही है, 10^-4, 10^-5, 10^-6, फिर 10^-7, 10^-8, ये अंदाजा ही है मतलब, 10^-9, 10^-10, 10^-11, 10^-12, ये इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ और पट्टे को, ये और भी जा सकता है, 10^-0 और 10^1, 2, ऐसा हो सकता है, ये तो मैंने लिखा बस इतना है, 10^-13, 10^-14, ऐसे डार्क ब्लू इस रेंज में होगा। लेकिन कलर यही पांच होते हैं, छह। देखो ये 6 कलर नहीं है, शेड है ना, कलर तो इनफाइनाइट होते हैं ना, ओके ठीक शेड्स है ना, ये तो अंदाजा सा है बस, ठीक है। है। हाँ जी इस तरह से होता है। अब ना एक और चीज, इतनी बात समझ में आ गई ना, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये मैंने स्केल लिख दिया, इस कॉन्सेंट्रेशन पे इस रेंज में ये कलर शो करेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके सिंपल बात है ना ये तो। हाँ जी ओके अब यूनिवर्सल इंडिकेटर का फायदा क्या हो गया, उसने आपको क्वांटिफाई, हालांकि देखो पूरा क्वांटिफाई तो नहीं किया इसने भी, ऐसा तो नहीं बताया ना, मान लो आपके पास कोई सोल्यूशन पड़ा हुआ है और आपको बताना है कि इसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से आप नहीं बता सकते। मान लो यूनिवर्सल इंडिकेटर ने रेड कलर दे दिया उसमें आपको, तो आप बताओगे यार 10^-0 से लेके 10^-1 की रेंज में है कहीं, रेंज ही बता सकते हो ना, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते है नो ना। सर। हाँ यहाँ भी रेंज ही बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो फिर एक चीज होती है पीएच, पीएच क्या होती है ना, पीएच ना, हाँ ये जनरल जो फंक्शन होता है पीएच का, ये होता है, मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा, अभी के लिए ये समझ लो, पीएच इज माइनस लॉग ऑफ समथिंग, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस को पीएच बोलते हैं। पी एक फंक्शन है, अच्छा ठीक है पीएच के बारे में मैं बात करता हूँ, अभी के लिए इतना ही समझ लो, पीएच इज माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस होती है दिस इज इक्वल टू 10^-PH, मैं इसके बारे में मैथमेटिकली बात करूंगा अभी, पर अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस 10^-समथिंग लिखो सो दैट माइनस समथिंग इज पीएच, तो यहाँ पे पीएच 0 है, यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये बात समझ में आ गई। हाँ 10 जी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को अगर मैं 10 की पावर में लिखूंगा सो दैट विल बिकम 10^-PH। ओके तो अगेन कॉन्सेंट्रेशन लिखने का एक ढंग ही है, ये मैथमेटिकल ढंग है वो, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं पीएच 1 है दैट मींस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 10^-1 है, अगर मैं बोलूं पीएच कुछ भी एक्स है, मान लो पीएच एक्स है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10^-x -x, माइनस एक्स सॉरी माइनस। ठीक है। तो अगेन हाँ ये जी कॉन्सेंट्रेशन बताने का एक ढंग ही है, ठीक है। तो अब हमको यहां से क्या पता चल रहा है कि अगर पीएच कम होगी तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, है ना। हाँ जी हाँ है ना, आप इस तरफ अगर जा रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है ना, हाँ जी तो डिक्रीज हो रही है तो पीएच इंक्रीज हो रही है, तो हाँ यही जी है, ज्यादा पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, गैस्ट्रिक जूस, हमारे पेट में जो होता है एसिड, HCl होता है, हाँ जी गैस्ट्रिक जूस, इसकी जो पीएच होती है दैट इज 1.2, फिर लेमन जूस, लेमन जूस की पीएच होती है 2.2, फिर प्योर वाटर, यहाँ आ जाते हैं,
प्योर वाटर की जो पीएच होती है दैट इज 7। फिर ब्लड, ब्लड की पीएच होती है 7.4। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच होती है 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच होती है 14। देखो अब ना ये कोई फिक्स नहीं है कि मैंने लिख दिया तो इतना ही होगा। लेमन जूस में और पानी मिला दोगे तो उसकी पीएच बढ़ जाएगी, ठीक है ना। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है ना लेमन में, तो मान लो 1 गिलास नींबू पानी है उसमें और पानी मिला दोगे तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो जाएगी ना, डाइल्यूट हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो पीएच बढ़ जाएगी। तो आप ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं लिखा, मैंने जनरल ऐसे लिखा है, बुक में लिखा था इसलिए लिख दिया, ठीक है। जैसे प्योर वाटर की तो 7 ही रहेगी प्रोवाइडेड टेम्परेचर 25 है। मेरा पॉइंट यहाँ पे यही है कि ये पीएच ना बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि रटी लो और यही रहेगी सारा पूरी दुनिया में लेमन जूस की पीएच, ऐसा नहीं है। एक आइडिया है। सो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर था। अब हम पीएच स्केल पे बात करते हैं। पीएच स्केल क्या है? पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है जर्मन में पावर। तो पीएच क्या एक स्केल है, ठीक है। पीएच इज अ स्केल यूज्ड टू मेजर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, ऑन पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0। 0 का मतलब वेरी एसिडिक। 0 पीएच अगर कम है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, वेरी एसिडिक, टू 14, वेरी एल्केलाइन। न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज पीएच इक्वल टू 7। न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच 7 होती है। ध्यान रखना ये सारी बात ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूंगा ना तो ये वैलिड नहीं रहेगा सारा कुछ जो लिखा है हमने। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। जीरो, 14, 7। तो इस रेंज में सॉल्यूशन एसिडिक होगा, इस रेंज में सॉल्यूशन बेसिक होगा। अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा है तो बेसिक होगा। और यहाँ पे क्या है, अगर आप इधर जाओगे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है,
पीएच कम हो रही है ना, जितनी कम पीएच होगी उतनी ही हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो और ओएच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इधर जाने पे डिक्रीज होती है। अभी तक हमने ओएच नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन की कोई बात नहीं करी, ये ना ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, जो डैश 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 दिखा रहा हूँ दिस इज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और जो नीचे है वो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है जब आप 0 से 14 जाते हो। तो अभी के लिए थोड़ी बहुत बातें आपको रटनी पड़ेंगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज अ कॉन्स्टेंट इन एन एक्वस सॉल्यूशन। At a given temperature, ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करा, जो कि हम 10th क्लास में तो करते ही नहीं है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखते हैं, तो किसी भी सोल्यूशन में H प्लस और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा। मान लो आपके पास यहाँ पे क्या ले लें, एच सी एल ले लो, है ना। अब देखो जब एच सी एल का सोल्यूशन होगा ना, इसमें ये एच सी एल का सोल्यूशन है, ये बात ध्यान रखो, एच सी एल तो गैस होती है, प्योर एच सी एल इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। तो एच सी एल के सोल्यूशन में क्या क्या है, वाटर है और एच सी एल है। HCl aqueous का मतलब क्या क्या है, इसमें स्पीशीज कौन कौन से प्रेजेंट है, H प्लस आयन प्रेजेंट है, H प्लस aqueous लिख रहा हूं क्योंकि अकेला नहीं होगा, Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, OH नेगेटिव भी प्रेजेंट है ना, OH नेगेटिव है या नहीं है, अब नहीं है, OH नेगेटिव भी है। देखो पानी होता है ना, जो हाँ जी पानी ना टूटता है किसमें, H प्लस और OH नेगेटिव में, हाँ जी, ये बहुत ही हल्का सा टूटता है, इसलिए दो एरो मारते हैं। अभी दो एरो का मतलब मेरे साथ मत पूछना, बस ये जान लो कि ये हल्का सा टूटता है, बहुत ज्यादा नहीं टूटता, ठीक है। तो अगर हल्का सा टूटता है तो H प्लस भी होगा और OH नेगेटिव भी होगा, ठीक है ना, हाँ जी। किसी भी सोल्यूशन में अगर वो एसिडी क्यों ना हो, देखो पहली बात तो अगर सोल्यूशन की बात कर रहे हो तो पानी तो उसमें होगा ही ना, हाँ जी, ठीक है, तो पानी अगर होगा ना तो OH नेगेटिव होगा ही होगा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगर एसिड है तो उसमें OH नेगेटिव है ही नहीं सोल्यूशन में, सोल्यूशन में फिर से बोल रहा हूँ सोल्यूशन में, ठीक है, एच सी एल में नहीं होगा OH नेगेटिव, पर उसको पानी में डाल दोगे तो तभी तो वो अच्छा, ये जो पीएच है ना ये काम तभी करता है जब एक्वस सोल्यूशन हो, ठीक है। ये जो हम सारी कहानी कर रहे हैं ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इन एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे कि मैं तो पानी डालूंगा ही नहीं, अलग कर लूंगा, तो फिर पीएच की बात ही मत करो आप, ठीक है, पानी जरूरी है इसके लिए। एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ये बात है, ठीक है। तो अगर एक्वस सोल्यूशन आ गया है तो उसमें फिर OH नेगेटिव भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, तो यहाँ पे इसलिए ये स्केल रख सकते हो आप कि अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा तो pH होगी कम, ज्यादा है तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है ना तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, OH नेगेटिव की कम होगी, ठीक है। इसको मोटा मोटा अगर मैं समझाऊं थोड़ा रफ लैंग्वेज में, देखो मान लो मेरे पास यहाँ पे पानी पड़ा हुआ था, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें NaOH डाल दिया और HCl डाल दिया, दूसरे केस वन केस टू, केस वन मैंने इसमें डाला NaOH, तो ये बेसिक हो जाएगा ना सोल्यूशन, हाँ जी बेस हो जाएगा, बेसिक। इसमें मैंने डाल दिया HCl तो ये एसिडिक हो जाएगा ना, हाँ
हाँ जी अब प्योर वाटर में क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल। ओके, हाँ जी और जब आप इसमें HCl डालते हो तो आपने डालना क्या, आपने तो H प्लस डाल दिया ना, हाँ H प्लस आयन डाल दिया ना आपने, जी तो क्या होगा, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव से बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हाँ अब आप जी ये नहीं बोल सकते कि OH नेगेटिव जीरो हो गया, बढ़ जाएगी H प्लस की, तो सोल्यूशन हो गया एसिडिक। ओके, जब आपने इसमें बेस डाला तो क्या होगा, ओ एच नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी एच प्लस से, तो सोल्यूशन हो जाएगा बेसिक। बेसिक सोल्यूशन में एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं है, ये बात समझ में आ गई। हाँ जी बस कम है वो एच नेगेटिव आयन से। हाँ, एसिडिक में एच प्लस ज्यादा है ओ एच नेगेटिव से, बेसिक में ओ एच नेगेटिव ज्यादा है एच प्लस से, ये बात ठीक है ना, नहीं जीरो नहीं है। जीरो नहीं हो सकती, हाँ पानी आ जी गया तो जीरो, ठीक है ना, हाँ जी ये बात है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना यार, एसिड है तो उसमें ओएच नेगेटिव कैसे आ गया और बेस है तो उसमें एच प्लस कैसे आ गया, वो पानी की वजह से आया हुआ है, ठीक है। हाँ जी तो इसीलिए पीएच स्केल कैसे ड्रॉ किया हमने, कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसकी पीएच होगी कम और एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, तो धीरे धीरे आप एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, और अगर एच प्लस बढ़ाओगे ना ओ एच नेगेटिव ऑटोमेटिकली कम होगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ जी तो ये बात है ना, एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। हाँ मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा। तो अभी हम लिखते हैं, लोअर इज वैल्यू ऑफ पीएच, मोर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड मोर एसिडिक इज सॉल्यूशन। जितनी पीएच कम होगी उतनी ही एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और उतना ही सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ये बात ठीक है। हाँ जी हाँ, फिर क्या, हायर इज वैल्यू ऑफ पीएच, लेस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, मोर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव, मोर बेसिक इज सॉल्यूशन। अगर पीएच ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी दैट मीन्स ओ एच नेगेटिव ज्यादा है, क्योंकि एच प्लस इंटू ओ एच नेगेटिव ये तो कॉन्स्टेंट है, तो एक कम है दूसरा ज्यादा ही होगा, इसलिए सोल्यूशन ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो फिर एक बात लिख लेते हैं, जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। पीएच को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी पेपर पे उसको सोक कर देते हैं, इम्प्रेगनेट कर देते हैं पेपर को। पीएच पेपर देखा है, होगा लेबोरेटरी में आपके स्कूल की, देखा है, हाँ जी घर पे पड़े स्ट्रिप्स होती हैं। पढ़े स्ट्रिप्स। हाँ, तो उसमें वो क्या होता है, उसके ऊपर यूनिवर्सल इंडिकेटर लगा होता है पेपर के ऊपर, ठीक है। अलग अलग कलर्स होते हैं उसपे। हाँ ठीक है ना, तो फिर हम
स्ट्रॉन्ग एसिड देखते हैं क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जिसमें ज्यादा एच प्लस आयन हो। देखो एसिड्स दैट गिव मोर एच प्लस आयन्स इन सॉल्यूशन आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जाम्पल H2SO4, HNO3 और HCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो ज्यादा H प्लस आयन दे। तो बात समझ में आ रही है? ज्यादा, अगर कोई ज्यादा देता है तो कोई कम भी देता होगा ना, तो वो वीक एसिड होता है। वीक एसिड, एसिड, एसिड्स दैट गिव लेस एच प्लस आयन्स इन सॉल्यूशंस आर वीक एसिड्स। एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है? एसिटिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ना ये टमाटर में होता है। ठीक है, देखो अब इससे इसका मतलब देखो क्या है। जैसे एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, अगर ये टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा। अब मैं बोल रहा हूं वीक एसिड है, मतलब क्या? ये इसका सार, जितने इसके पास एच है ना, ये सारे एच नहीं देगा। मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे आपके पास, ठीक है, हाँ जी 100 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के प्रेजेंट थे, तो 100 में से पूरे के पूरे नहीं टूटेंगे, ठीक है। ओके okay. 100 100 में से इसका ना 100 क्या है, इसको मैं ऐसे करता हूँ 2 लाख ले लेता हूँ। मान लो 2 लाख मॉलिक्यूल्स अगर है ना, मैं आपको अंदाजा बता रहा हूँ जस्ट, अगर 2 लाख मॉलिक्यूल्स है ना, उसमें से एक टूटता है, पता है? अच्छा 2 लाख लोग हैं, उसमें से 1,99,999 चार बार, वो तो ऐसे कैसे रह जाएंगे, एक टूट के एच प्लस दे देगा। समझ गए बात? हाँ जी तो वीक एसिड है जो कि सारा टूटता ही नहीं है वो। और ये स्ट्रांग वाला जैसे HCl लोगे, HCl का अगर आपने 1,000 मॉलिक्यूल्स लिए जी तो ये टूट के एच प्लस और सी एल नेगेटिव देगा। ये हो सकता है आपको 9,999 मॉलिक्यूल्स दे दे एच प्लस के। ओके एक एक ऐसे ही पड़ा रहेगा, 9,999 ये टूट जाएंगे। समझ गए इस बात को? थोड़ा फील कर पा रहे हो ना? हाँ जी मॉलिक्यूल के पास एच प्लस तो होता है, पर वो जब उसको पानी में डालोगे वो एच प्लस देगा या नहीं देगा वो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ पे। अगर वो स्ट्रांग है तो पूरा दे देगा, वो टूट जाएगा। अगर वो वीक है तो वो टूटेगा नहीं, कुछ टूटेंगे उसमें से, बहुत सारे नहीं टूटेंगे, ठीक है। हाँ जी तो वीक एसिड होता है। फिर स्ट्रांग बेस और वीक बेस भी सेम बात ही है, बस उसमें एच की जगह ओ एच नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर टार्टरिक एसिड इमली में होता है हाँ स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? बेसिस दैट गिव मोर ओ एच नेगेटिव आयन्स इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जाम्पल है ये, ठीक है, जो ज्यादा ओ एच नेगेटिव आयन दें वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। फिर वीक बेस, वीक बेस क्या होता है? बेसिस दैट गिव लेस
OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेसिस। एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। क्लियर हुई है बात? हाँ जी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने आज क्या बात करी है। हमने आज पीएच की बात करी है। पीएच एक स्केल होता है 0 से लेके 14 तक। अगेन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं टेम्परेचर बदल दूंगा तो ये बदल जाएगा। पीएच ठीक है सर। सिर्फ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बताने का एक ऑल्टरनेट तरीका है, एक ईजी तरीका है। तो अगर पीएच कम है दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस आयन्स भी होते हैं, ओएच नेगेटिव भी होते हैं, इरिस्पेक्टिव कि वो एसिड है या बेस है। अगर एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको हम एसिड बोलेंगे। ज़्यादा किसके, अब ज़्यादा कम तो कंपेरेटिव टर्म है, किसके कंपैरिजन में ज्यादा है? ओएच नेगेटिव के कंपैरिजन में। और अगर ओएच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन एच प्लस से ज्यादा है तो वो सोल्यूशन बेसिक होगा। और किसी भी सोल्यूशन में एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय ओएच नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन वो सेम रहेगी। तो मतलब क्या, दोनों का प्रोडक्ट सेम है। अगर आपने एक को बढ़ाया दूसरा अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है ना? अगर आपने ओएच हाँ नेगेटिव को जी, बढ़ाया तो एच प्लस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, अगर आपने एच प्लस को बढ़ाया तो ओएच नेगेटिव ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके okay? हाँ जी सर। तो इसीलिए ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम हो रही है तो एच नेगेटिव की बढ़ रही है, ठीक है ना भाई? अगर एच प्लस की, हाँ मान जी लो एच प्लस की कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, आप बाहर से ओएच नेगेटिव डाल रहे हो तो एच प्लस की उतनी रह जाती, उसमें एच प्लस को आपने कुछ नहीं करा ना। हाँ जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास सोल्यूशन है उसमें मान लो एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कुछ है, 1 मोलर है मान लो, आप बाहर से हाँ ओएच जी, नेगेटिव डाल रहे हो तो आप तो ओएच नेगेटिव को डाल रहे हो ना, एच प्लस से आपने क्या लेना देना, वो तो उतना ही रह सकता हाँ था जी, ना। जीरो। हाँ जी, लेकिन नहीं, वो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन की कंडीशन क्या है कि एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय ओएच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट। अगर आप बाहर से ओएच नेगेटिव डालोगे, एक चीज को बढ़ा रहे हो दूसरे को कम होना पड़ेगा, वो उतना नहीं रह सकता जितना पहले था, ठीक है? हाँ जी, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो रही है तो ओएच नेगेटिव की बढ़ रही है, ये स्केल में है ना बना हुआ ऐसा। हाँ जी, क्लियर है बात? हाँ जी सर, तो एक बार ये सारी बातें देख लेना हाँ और जी, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी।